बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मित्रों, सैयदुल वरा सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों काजी अब्दुल दायम दायम और हरिपुर शरीफ पाया सोदिया ओदी अगली लड़ी लैके तुहाडी खिदमत च हाजिर हां। पिछली बारी असा गल इत्थे मुकाई सी भई नबी पाक कुरान नूं शायद प्यान बारे रंग भरंगियां रवायतां करके गल किथे दी किथे अपराध देण वालियां बारे विच इस बारे हदीसां दे वेरवाकार आखदे ने भी चेता उखड़न वालियां रोगियां दियां उन्हां रवायतां नूं तां मन लैणा चाहीदा जो उन्हां नूं भुलक्कड़ पुणे दा रोग लगन तों पहलां उन्हां ने दसियां होण। पर अड़चन इत्थे इह आ जांदी है भी उन्हां दी कीहड़ी रवायत उन्हां भुलक्कड़ होण तों पहलां कीती ते कीहड़ी कीहड़ी मगरों कीती, क्यों जे चेता विसरन वाला रोग सदा हौली हौली भारू हो के अपने होण दे शक नूं पक्कियां करदा है। ये कोई नज़ला जुकाम या ताप बुखार तो है नहीं भी फटाफट चढ़े तो फटाफट लै जाए तो जिदे बारे उहदे होण दे वेले बारे बेड़ बन्नी जा सके दस्या जा सके। इबने जरीज हजाज का उस्ताद है तो उन्हूं पक्का पीड़ा रवायतकार मनिया जाता है। हदीस दीआं चोखियां सारियां किताबां विच उहदीआं रवायतां मिलदीआं ने अते चोखे हदीसकार उन्हूं सिक्केबंद ते विसाहयोग रवायतकार भी मानते ने। पर इमाम मालिक फरमाते ने भी इबने जरीज ता हाथबे लैल यानी रात को लकड़ा चुगण वाला सी, अंधेरे में सुकी गिली लकड़ का फर्क की समझ नहीं आती, इस परों सारिया लकड़ा कट्ठिया कर लिया। इस निस्बत परों हदीसकार इस रवायतकार हाथबे लैल इस पक्षों आखते ने भी वह कच्चिया पक्की रवायतों नखेड़ा नहीं कर सकता ते जो कुछ मूँह दरावे बोल छड़दा। यजीद इबन जरी आखते ने कि इबने जरीज तीले चुगण वाला सी, लकड़ा चुगण वाला ते तीले चुगण वाला केड़ा को वसा योग या स्याणा हो सकता है। तो इंज दियां उन्हां दे मालक हुंदियां इबने जरीज दियां रवायतां नूं ठीक मन लैणा औखा काम है। पर इस तो अड यह गल भी पक्की है भी उस बंदे दा अकीदा ते किरदार भी सलाह योग नहीं सी। जरीर जबी आखते ने कि इबने जरीज मुता नूं ठीक मनदा सी ते उसने 60 जनानियां नाल व्याह कीता होया सी। 60 जनानियां की गिनती भी घट नहीं सी पर इमाम शाफी उस दियां सवाणियां की गिनती 90 दसते ने। मैं इमाम शाफी के मूँह सुनिया है भी इबन जरीज ने 90 जनानियां नाल मुता कीता सी, उहदी कामी ललसा इन्नी वधी होई सी भी इमाम शाफी आखते ने कि आख्या जांदा भी इबने जरीज ने जिन्नियां जनानियां नाल मुता कीता सी उन्हां दे नां लिख के उन्हें कागज़ के उत्ते अपने मुंडिया के हाथ फड़ा दिता सी, मते उहदा कोई मुंडा उन्हां जनानियां चों किसी नाल भुलेखे पारों किते विआह ना कर पवे। चेते रहे भी जो लोग मुता नूं ठीक समझते ने उन्हां दा नबी पाक उहनां दीआं सवाणियां नाल वैरे ते खास करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अनहा ते हज़रत इफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अनहा नाल। इस पर साडी जाती इस रवायत नूं घड़न वाला भी सीधा सीधा इबन जरीज है जिन्हें इबादत ते पलमानसी दा इंज दा भरेवा पाया होया सी भई तगड़े तगड़े हदीसकार उहदीआं गल्लां विच आ के फस गए। पर भला होवे जनाब जरीर जबी दा के इमाम ते इमाम शाफी होरां दा भई उन्हां इहदा पोल खोल दिता ते इंज दियां वेलियां ते लोकी आखदे ने कि घेचलियां दियां करतां ताईं वेंदा सार सुझाणा। ये हाल इस रवायत दे दूं रवायतकारां दा जिहदी संद नूं इमाम नसाई ठीक ते बहुत वधिया आखदे आ। रही दूजी रवायत दी गल तां उह इस तों थलड़े दर्जे दी ठीक है, इस परों उहदे ठीक जां ना ठीक होण पर पाणी विच मधाणी पाण तों की लभत होवेगी, बाग नूं तकियां बूटे आपूं सारी गल सुनावण। मुकदी गल इह वी जे दोवें रवायतां इन्ने जोगियां नहीं भी उहनां नूं बुनियाद बना के कुरानी आयतां दा वेरवा कीता जावे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां बारे ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਤ ਵਰਗੀ ਅਮੁੱਲੀ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
हालां कुरान ने शायद नूर रोगा की शफा आख्या। दूजी गल नबी पाक उन्हां दियां पाक बीबिया मता पका के कूड़ घड़न वाली मन लिया जाए। हालां उन्हां पाक पवित्र बीबिया की पाकीजगी उत्ते योताहरा कुम तत्हीरन आ के मोर लाती गई है। तो उन्हां दी इन्नी इज्जत सत्कार है कि रब सज्जा आपू फरमांदा है कि नबी दी और सुहाणीओ तुसी आम जनानिया वांगर नहीं जे की इंज दियां पाक पवित्र ते उच्च मकामी बीबिया बारे ये सोचा भी जा सकता भी उन्होंने इंज दियां कबूदियां करतां कीतियां होणगियां जिन्हां दा जिक्र पहलू दसियां गईयां मन घड़त ते घटिया रवायतां राहीं कीता गया है। ये पक्की गल है भी इंज हो सकता ही नहीं। भुलक्कड़ ते मुद्दा करन वाले रवायतकारां दियां इंज दियां ऊट पटांग रवायतां नूं पल्ले पा के नबी पाक दे घर वालियां नूं इंज दियां कबूदियां चालां चलण वाले मन लैण तों हज़ार गुणा चंगी मत वे भई असी उस पाक घर की इज्जत ते सत्कार का लिहाज करन सिखीए ते उन्हां दी शान नूं नीवां करन वालियां सभना रवायतां नूं पाड़ के परां वगाईए भावें और रवायतां बुखारी ते मुस्लिम विचों क्यों ना होण लईआं गईआं होण। दूजी तफसीर मूजब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां हज़रत मारिया किबतिया नूं अपने उत्ते हराम कर लिया सी। इस तफसीर नूं पाक आयतां नाल जोड़न सगों पहली तफसीर वांगू ही बस शायद दी थावें हज़रत मारिया दा नां आउंदा है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां हज़रत मारिया नूं अपने उत्ते क्यों हराम कर लिया सी? रवायतां विच इहदा जो कारण दस्या गया है वह एड्डी मन घड़त ते शर्म वाली गल है भई सानू उहदा वेरवा दसण लग्या वी लाज लगती है। इसलिए उसकी लोड़ नहीं नाले उस भोग उसका भोग पाण की लोड़ है भी की है। जदों के अलामा नोदी होरां साफ साफ लिख दिता है भई मारिया नूं अपने ते हराम कर लैण वाला किस्सा किसी भी ठीक जां सिक्के बंद रवायत तो साबित नहीं हुंदा। हैरानी वाली गल तां इह है भी जिहड़ी किसी भी ठीक ढंग नाल साबित नहीं हुंदी सगों अलामा खताबी ने तो इतों तक राख दिता भी चोखे तफसीर करने वाले मुताबक यह आयतं मारिया के ही किस्से उतरिया सन। असी इस बेहूदा किस्से बारे कोई विचार वटांदरा नहीं समझा करते सगों इन्ना 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 ही आखण बड़ा कि दोष किसी ते लावन लग्या पहला फिक्र ते आईए ते बिना सबूतों गल ना करिए जद भी सफल अलाई। ये सारी खोज का सिटा यह निकलता है भी शायद जां हज़रत मारिया नूं अपने ते राम कर लैण दे बारे च मिलन वाली सारिया रवायतां मन घड़त जाली ते पाक बीबियां ते तगड़ा दोष लाने वाली गल है। नबी पाक होरां ना ते शायद नूं अपने ते राम कीता सी ते ना ही हज़रत मारिया नूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तां लोकां लई पातशाहां चीज़ां दे हलाल करन वाले ने पातशाहां उन्हां ते और ये किस तरह हो सकता कि उन्हें अपने लिए पातशाहों हराम कर लिया होए। हुण सवाल ये वे भी मुड़ सूरा तहरीम दी आयतां दा की मतलब है? तो इस बारे अरजोई ये वे भी सारिया सारिया पुआड़िया की जड़ शायद ते मारिया वाली रवायतां ने जे उन्हां वल्लों चुंड छड़ा ली जाती तो हकीकत सीधा अपड़न एडा औखा नहीं सी। इस बारे ठीक तफसीर की है ये बारे प्यारे गल करांगे अगली वीडियो।